हाँ मम्मी, मम्मी आशीर्वाद दो। मम्मी अच्छा अच्छा काम करना है, पता है अच्छा ना करो ना दो एपिसोड के बाद सोनी वाले निकाल देते, चाहे सलमान का भाई क्यों ना हो। हाँ मम्मी क्यों यार बता तो दियो अगर वापिस आ गया कोई। मम्मी आप भगवान को मानती हो तो दुआ मांग लो, मेरे से गलत बोला गया कुछ। हाँ चलो ठीक है, मेरे को जोर से सॉरी आई मैं रखता हूँ। क्या क्या करते हैं भाई आपकी पीठ पीछे, पता है ये लिख के देते हैं हमको बोलने के लिए। कहते सुहेल भाई नहीं ये बोल दो, अर्चना जी कहते सुहेल भाई ना सलमान भाई का ब्रेसलेट पहन के अंधेरे में घूमते ताकि लड़के सलमान समझ के सेल्फी खिंचा ले। भाई मैंने नहीं बोलना ये सब, नहीं बोलना ये बोलना ही नहीं, ये तो काटने लगा हूं मैं। ये कट गया बोलने के बाद काट रहा है कभी ना। भाई जिस प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं वो भी बोलने के बाद ही काटते हैं हमारा। ये तो कभी नहीं बोलना। कहते सुहेल भाई ना तो आप डांसर हैं ना सिंगर हैं, दबंग टूर में क्या करने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो शो के। भाई ये भी काट देना आपने। ये क्या बात हुई, कहते सुहेल भाई ने बॉडी इसलिए बनाई ताकि सलमान भाई के कपड़े फिट आ सके। अर्चना जी छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े पहनता नहीं है, पूरी दुनिया में पहनते। ये क्या बात हुई, ये भी नहीं बोलना हमने। ये बच गया क्या बलराज एग्जिट। पता भाई ये आपकी पीठ पीछे बड़ी साजिशें करती हैं आपके लिए। आप एक दिन के लिए प्रोड्यूसर को फोन करके कहती परमीत को रख लो सुहेल की जगह, वो भी तो उतना ही गोरा है। भाई मैं बता रहा हूँ आज दिन के एनाकोंडा है ये। विक्का भाई सत श्री अकाल, आ जाओ अंदर भी आ जाओ। और भाई हम आपके गाने में बोलते हैं बीच में। बहुत बड़ा दिल है मीका भाजी का, मेरे पास काम नहीं था क्योंकि बैंड वालों के पास कहाँ काम है आजकल। कहते मंथली 1,00,000 रुपए लिया कर मेरे घर के बाहर बैंड बजा। मैं क्या कहते अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मैंने पिछले साल मीका भाई सिर्फ एक ही शादी अटेंड की है आपको पता है, वो भी अपनी। अपनी शादी में बैंड बजाना पड़ता है, कितना बुरा लगता है जब ससुर बोल रहा है कि पहले बरात खाना खाएगी बैंड वाले बाद में खाएंगे। भाई काम ही नहीं है हमारे पास, मेरी बीवी मेरे से तलाक लेने जाती है, कहती तू कुछ खिलाता तो है नहीं मेरे को तलाक दे दे। हाँ। मैंने कहा एक शर्त पे तलाक दूंगा, तेरी दूसरी शादी में बैंड मैं बजाऊंगा। प्यार अपनी जगह, भाई काम भी तो अपनी जगह होना चाहिए ना। मतलब मैंने ना एक नया एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा बैंड तो कोई बुक नहीं करता तो अपने साथ एक चूहा रख लिया मैंने। तो जैसे सिद्धार्थ को रखा है मुबीन ने। चुही, चुही, इधर है मेरी चुही, किसी ने मेरी चुही चावला को देखा है? चुही चावला। भाजी देख लो आपका खौफ कितना आते है, लड़कियां गायब होनी शुरू हो गई। मीका पाजी आपने मेरी चुही को देखा है? बेटा वो शिकारी आदमी ने चुहियों मुहियों को नहीं देखते। गई किधर मेरी चुही चावला? मुझे तो डाउट हो रहा है पड़ोस वाली कटरीना कैट तो नहीं उठा के ले गई। कटरीना कैट को क्यों? वैसे मैं भाई एक बात बताऊं तेरे को, तेरी चुहिया का करेक्टर ठीक नहीं था, मैंने बड़ी बार देखा बगाने मर्दों के कच्चे कुतर रही होती थी। भाई यही तो काम है हमारा, भूख लगती है कपड़े को उतार देते हैं, अब जो उतरेंगे वही तो कुतरेंगे। उतरने का वेट भी तो करना चाहिए ना फिर। मेरे को तो लगता है वो वैसे किसी के साथ भाग भूक गई है। ए, मेरी चुही मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो बेवफा नहीं हो सकती। बहुत प्रेम करती है, भाई अक्सर प्रेम के भी बड़े होते हैं तुझसे। समझा भाई मैंने खुद देखा, मतलब सुहेल भाई एक दिन कंप्यूटर के माउस के साथ फ्लर्ट कर रही थी, कहती ये अंग्रेज चूहा एनआरआई लग रहा है मेरे को। इधर आकर काम पे लग जा बेटा। अबे इधर घर की बहू बेटियां नहीं मिल रही तुझे, काम की बढ़िया है? काम कर, शाम की शादी कैंसिल करवा दे, मिल के ढूंढते हैं। लड़की के लिए काम छोड़ेगा? एक तो आजकल के बच्चों को बिना स्ट्रगल के काम मिल जाते, इनको काम की कदर नहीं है। बेटा उन लोगों से पूछ जो 3 साल तक मट से बरसोबा स्विमिंग करके जाते रहे। सुहेल भाई जब जब मुंह बाहर निकलता था ना पानी से सांस लेने के लिए एक ही आवाज आती थी, कॉमेडी सर्कस कब चालू होगा, कॉमेडी सर्कस कब। 4 पैसे कमा लेगा बेटे, चुहिया छोड़ करिश्मा जैसी हॉट लड़की भी सेट हो जाएगी।
और मैंने अपनी चूही से वादा किया मैं अपनी एक्स के पास वापस नहीं जाऊंगा। एक्स है वो तेरी? कुछ तो सोच समझ के बोला कर, उसके सबसे छोटे कपड़े भी तेरे से बड़े होते हैं। अच्छा मेरी दीदी की शादी है। मैं अपने जीजू की जूते चुराऊंगी और उनसे 10 लाख रुपए मांगूंगी। जूतों के 10 लाख रुपए? हम जूतों से भी सस्ते में परफॉर्म कर रहे हैं सालों, देख लो। ए, बकवास बंद करो और ये बताओ कि बैंड बजाने के कितने पैसे लेते हो? मैडम डिपेंड करता है शादी किसकी है। अगर तो जैसे माल्या के बेटे की शादी है तो सारे पैसे एडवांस, क्योंकि उनका पता नहीं कब भाग जाए, है ना। 10,000 रुपए दे दो एडवांस। ओ मैडम 500 में मान जाएगा? इधर आ, 10,000 तेरा बाप ने देखे कभी? OMG, यहाँ तो चूहा भी बोलता है। मैडम आप 10 मिनट पहले आती ना तो यहाँ गधा भी स्टैंड अप कर रहा था। मैडम आप बताइए किसकी शादी है? आज मेरी दीदी की शादी है। आज मेरी दीदी की शादी है। इससे बैंड मत बजाना, बड़ा मानूस आदमी है ये। पता है गुप्ता जी की शादी पर बैंड बजाया था, शादी की दूसरी रात ही बीवी भाग गई, पता है। बुकिंग अमाउंट तो दे दो। अरे पहले डेमो तो देके दिखाओ। आपकी दीदी की शादी है? हाँ। लड़के वालों ने डेमो मांगी? अरे चाय खाने की यार हद है। मैडम एडवांस दे दो मेरे को बस। हाँ ठीक है रो। एक सेकंड, पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ पापा। क्या दीदी भाग गई? मनोज क्या पुलिस स्टेशन में मिल गई? तो सचमुच में मनोज है, जब तक एडवांस हाथ में था तब तक दीदी भागी हुई थी, जैसे ही ले लिया दीदी भी मिल गई। देख मेरी बात सुन, ऐसी बकवास नहीं करते, ठीक है। अपन ने काम करना है, अपन को मेहनत करनी है, ओके। तो अभी अपन रिहर्सल करेंगे अच्छे से, ठीक है। अर्चना जी आप इसको समझा दो, बाद में मत बोलना बच्चा है तो मैं डांट दूंगा इसको। बच्चा नहीं, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर? मैं सुन के बता देता हूँ कि कौन से घर में देसी घी की रोटी बन रही है। साधु उनके मांगने चली आती हैं ये। चूही चावला, चूही चावला, चूंकी बेटे। जरा एक तुम्हारा कार्डियो चल रहा है, जरा अलग ही चूही आपा लगा रखा है इन दोनों ने यहाँ पे। एक भी बात का उन्होंने यकीन कर लिया ना, मेरे को सर्कस से निकाल के ना उन्होंने क्राइम पेट्रोल में डाल देना। मेरी तो शक्ल भी संतनी वाले से मिलती है।